बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सफल व्यवसायी अपने बिजनेस की बागडोर अपने बेटे को सौंपना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसे 3 गुड़ियों का एक सेट दिया। बेटा थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने अपने पिता से पूछा, क्या मैं एक लड़की हूँ कि आप मुझे ये गुड़िया दे रहे हैं? बड़ी शांति से पिता ने जवाब दिया, यह तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तुम्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। इन गुड़ियों को ध्यान से देखो बेटा, हर एक गुड़िया के दोनों कानों में तुम्हें छेद दिखाई देगा। फिर पिता ने अपने बेटे को एक धागा दिया और उसे हर एक गुड़िया के कान के छेद से गुजारने के लिए कहा। उस युवक ने पहली गुड़िया को उठाया और उस धागे को उस गुड़िया के कान के अंदर डाल दिया। वो धागा उस गुड़िया के दूसरे कान से बाहर निकला। ये एक प्रकार का व्यक्ति होता है बेटा, पिता ने कहा, जो भी तुम उसे बताते हो वह दूसरे कान से निकल जाता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। जब बेटे ने धागा दूसरी गुड़िया के कान के छेद से डाला तो वो उस गुड़िया के मुंह से निकला। पिता ने बेटे से कहा, और ये होता है दूसरे प्रकार का व्यक्ति, जो भी तुम उसे बताते हो वो हर किसी को बता देता है। जैसे ही बेटे ने तीसरी गुड़िया को उठाया और धागा उस गुड़िया के कान से डाला, धागा बाहर निकला ही नहीं। पिता ने कहा, ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, जो भी तुम उसे बताते हो वो उन बातों को अपने अंदर बंद करके रखता है। बेटे को अपने पिता के सिखाई हुई इन बातों से बड़ी खुशी हुई और उसने उनसे पूछा, इन तीनों में से सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है पिताजी? तब पिता ने उसे एक चौथी गुड़िया सौंप दी। जब युवक ने उस गुड़िया के कान के छेद में धागा डाला तो वो दूसरे कान से बाहर निकला। फिर से डालो, पिता बोले। इस बार धागा मुंह से निकला और जब तीसरी बार डाला तो बिल्कुल भी नहीं निकला। पिता ने कहा, ये वो व्यक्ति है जिस पर तुम पूरा भरोसा रख सकते हो। भरोसेमंद होने के लिए इंसान को ये पता होना चाहिए कि कब और क्या नहीं सुनना चाहिए और किन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे ये भी पता होना जरूरी है कि कब मुंह खोलकर बोलना चाहिए और कब पूरी तरह से चुप रहते हुए कुछ बातों को